बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, अगर आपको भी अपना डिजिटल अकामत चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसा कि मैं एक बात बताता हूँ, चलो कि सऊदी अरब से जो भी लोग जाते हैं तो 99% ऐसा उनके साथ होता है कि उनके कफ़ील उनका अकामा रख लेते हैं। और अभी कोविड में जिस तरह का कंडीशन चल रहा है, लोगों के साथ परेशानी आ रही है, ये कोविड वैक्सीन को सबमिट करना, ये पोर्टल पे, मुकीम पे, ये सारे झमेलों में, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके पास नहीं होती वो होता है अकामा। तो अकामा आप डिजिटल कॉपी कहाँ से निकालेंगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेसर, मेरे अंदर से शायद सबके पास होता है, शायद दिमाग काम नहीं करता है शायद किसी का। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ कि लोगों को समझ में आ जाए, लोग दोबारा परेशान ना हों अकामे के लिए, क्योंकि वो कंपनी में फ़ोन करते हैं तो किसी से फोटोकॉपी मंगवाते हैं तो वो एक्सेप्टेड, बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट हो जाती है आपकी फ़ाइल, क्योंकि आपकी फ़ोटोकॉपी अच्छी नहीं होती है, या फिर वो काफ़ी आपकी कंपनी अकामा भेजेगी नहीं भेजेगी, इसमें टाइम लग जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको करना क्या, आपको अपना तवक्कलना चालू कर लेना है। तवक्कलना चालू करके फिर आपको वहाँ से अपना डिजिटल कॉपी, अपने अकामे की डिजिटल कॉपी निकलती है तवक्कलना से। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपना तवक्कलना ओपन कर लेंगे। तवक्कलना ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर एक बात और ऐड करता चलूँ, अगर आपका बार कोड ब्लैक है और ये ग्रीन नहीं हो रहा है और इम्यून नहीं हो रहा है, तो इसकी एक और दो वजह और भी हो सकती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ अपडेट नंबर, अपडेट पासवर्ड, हमको यहाँ अपडेट पासवर्ड भी नहीं करना है, आपको अपडेट होम एड्रेस, आप अपडेट होम एड्रेस पर करेंगे, उसके बाद ये आपका लोकेशन ले लेगा, उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने पहले से ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ आपको अपडेट होम एड्रेस पे क्लिक करना है। अगर आपका बारकोड शो नहीं करता है, ब्लैक होता है, या फिर बाद में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो आप एक बार इसको भी ट्राई कर लेंगे। तो हो सकता है आपकी जो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट जो 5 दिन हो गया आपको ई पोर्टल में सबमिट किए हुए, और वो वैक्सीनेशन सबमिट नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है यहाँ से भी वो कंडीशन सही हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट है और मैंने करीब इसको चेक भी किया और एक दो लोगों का इसमें फ़ायदा भी हुआ है, ज़्यादा नहीं, एक दो लोगों का मैंने बताया तो उनका फ़ायदा हुआ था। उन्होंने बोला कि 5 दिन हो गया आज नहीं हुई, तो मैंने उनको बोला कि एक काम करें, आप अपडेट होम लोकेशन को ओके करें, उन्होंने किया तो उनका हो गया। तो यानी हो सकता है कि यहाँ से भी आपका रुका हो, अगर आपका इम्यून शो नहीं कर रहा है, तो इम्यून शो नहीं कर रहा तब आप ये करेंगे। तो आप यहाँ आ जाएंगे होम पे। होम पे आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपसे आपकी आईडी आ गई, हम यहाँ आईडी पे क्लिक करेंगे, आईटी पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली बड़ा आ गया। अब ये डिजिटल है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी पीडीएफ फाइल कन्वर्ट कर लें। ये बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी जिनको चाहिए, अगर उनका तवक्कलना ओपन नहीं हो रहा, तो मैंने तवक्कलना पे वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ से जाके अपना तवक्कलना आप अपना तवक्कलना को ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में हैं, तो आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स का नया तवक्कलना ओपन कर सकते हैं। किसी सऊदी में कोई रिश्तेदार, कज़न, दोस्त यार, किसी से बात करके उनसे एक नंबर लेंगे, और नंबर लेने के बाद उनसे बोलेंगे सारी चीज़ें, वीडियो देख के आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आप कभी अगर आपको भी डिजिटल अकामा चाहिए, अगर ई पोर्टल मुकीम पे आप वैक्सीनेशन को सबमिट करने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास अकामा नहीं है, तो आप फोटोकॉपी की पीडीएफ फाइल बनाया, या फिर अदर किसी कंपनी से मांग के बनाया, वो क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ से पहले आप अपना तवक्कलना किसी दोस्त यार को बोल के ओपन करा के आप अपना डिजिटल अकामा रिसीव कर सकते हैं, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसका पीडीएफ फाइल आराम से बना लेंगे और बेहतरीन अकामा आएगा उसके अंदर। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजिंग है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपका अदर बड़ा इशू है तो नीचे व्हाट्सअप लिंक है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आने के बाद आप मुझे एडमिनशिप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी मदद की जाए, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।